चलो बोलते हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन को बाय। और इस लोकेशन पे आने का दूसरा रूट दिखाता आपको गाइस, फर्स्ट रूट दिखा दिया है, सॉरी बाय मिस्टेक, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अरे विंड ब्लास्ट बचा लिया गाइस आपको, फर्स्ट रूट दिखा दिया आपको, वॉइस ओवर मैं कर दूंगा। इसलिए कहते यूट्यूबर्स लाइफ इज़ वेरी टफ। यहाँ थोड़ा विंड ब्लास्ट आएगा गाइस, बीच है प्लीज़ बेयर कर लेना। मुझे वो राइडर को पकड़ना है यार, वो भी गुजरात का है, उसने इतना अच्छा नाइस बोल के गया, तो उसको ज़रा बात करते हैं। Bro, are you from Gujarat too? Huh? Are you from Gujarat too? No, not from. This is my friend's bike. Okay, okay. Karnataka. You are from Gujarat? No. Actually, I am from here only. I am a localite. Okay. But I am born and brought. Born here but brought up in Gujarat, Ankleshwar. Okay. Nice. Yeah. Nice to meet you. Thank you, bro. How much is this? 650. This is thousand. Nice. Yeah. Here. Cylinders four. Four cylinders. That's why I went for 1000, not 650. How much did it cost you on road? Here it's costly. It costed me 14.45. 14.45? Yeah, it's costlier than Gujarat. It's like, here road tax is almost triple than Gujarat. Okay. You study over there itself? No, I do business here right now. Okay. This is my native. Okay. So I shifted here. Nice. Yeah. We are students here, we are studying in MIT. Yeah, that's why I got to know. I saw GJ3, so I thought you are from Gujarat, that's why. Chalo, nice meeting you. Thank you. Enjoy. तो थोड़े MIT के स्टूडेंट मिल गए। एक्चुअली उनके पास जीजे की बाइक थी, कॉन्टिनेंटल, से सोचा मिल लूँ और मेरी बाइक पे अमेजिंग बोल के गया। यार वर्सेस लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है 650 है यार, 650 इतनी बड़ी नहीं आती गाइस, उसमें LED लाइट्स नहीं आते। दिस इज वर्सेस 1000, इसमें निंजा H2 का डिस्प्ले आता है गाइस, उसमें नॉर्मल सादा वो ER6N के ज़माने का डिस्प्ले आता है वर्सेस 650 पे। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी मुझे अपने बाइक पे तुलुनाडु वंडर का यूट्यूब का स्टिकर डालना है गाइस, ताकि लोगों को ज़्यादा सब्सक्राइब कर पाओ। जस्ट जोकिंग, डालना पड़ेगा ना यार गाइस। आप अगर उड़पी मैंगलोर आओगे तो ये रोड अगर गाइस आपने विजिट नहीं किया ना, आप गलत जगह आ रहे हो। ये रोड आपको विजिट करना ही चाहिए गाइस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीरीन प्लेस गाइस। यहाँ आओ तो यहाँ विजिट जरूर करना गाइस। ये अभी गाइस आ गया मट्टू बीच, ये थोड़ा रॉकी बीच है, मतलब ऐसा आगे पत्थर वत्थर सब है इधर। आई थिंक दैट इज़ द वन, उधर जो वो छोटा सा आइलैंड पत्थर जैसा दिख रहा है वहाँ पे, वो टीपू सुल्तान का थोड़ा सा फोर्ट टाइप है, मतलब पहले का। आई एम नॉट श्योर गाइज बट जस्ट कह रहा हूँ। दिस इज़ द मट्टू बीच गाइज बाय द वे, दिस मट्टू बीच दैट इज़ द रोड बिटवीन पडुकेरे एंड मट्टू बीच। और ये अभी मैं जा रहा हूँ कटपाड़ी, मतलब इस रूट से आप अगर जाओगे तो आप कटपाड़ी के साइड से बाहर निकलोगे, दिस इज़ द सेकेंड रूट। अगर आप मैंगलोर के साइड से आ रहे हो और इस बीच पे विजिट करना, आप बाय द वे कापू बीच के रूट से भी आ सकते हो, बट थोड़ा रोड कंजेस्टेड है। सो ये भी कंजेस्टेड ही है, मतलब वो इतना कंजेस्टेड भी नहीं है, बट ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल ब्रिज देखना है तो इस रूट से आना आप। अच्छा वो वाला ब्रिज ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये वाला भी कोई कम नहीं है, मतलब था ये ब्यूटीफुल बट अभी नया ब्रिज बांध रहे तो थोड़ा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। लेट्स सी, ये देखिए गाइस, ये भी नया ब्रिज बन रहा है, वरना इस बैक वाटर के बहुत ही अमेजिंग व्यू थे। चेक दिस आउट गाइस,
छोटा सा ब्रिज है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपको शाम को वॉक करके आके खड़े रह के बात करना अपने फ्रेंड से, ऐसा सीखिए। लोकेशन अच्छा है, अभी इधर का व्यू इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की वजह से गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट करने का ट्राई कर रही है। वो देखिए फिशिंग कर रहे हैं, इसके लिए ये सब किया जा रहा है, तो मैं इसके अभी अगेंस्ट तो कह नहीं सकता। ये देखिए अंकल फिशिंग कर रहे हैं, इसे यहाँ पे कहते हैं गाला डालना, गाला पाड़ू ना, विच इज़ तुलु वर्ड, मतलब फिशिंग, मतलब ऐसा फिश पकड़ना, मतलब हुक को गाला कहा जाता है, और डालना मतलब हुक डालना, इट्स लाइक दैट। देखिए ये हम निकले कट पहाड़ी पे बाहर, वेलकम टू द चैनल तुलुनाडु वंडरर गाइस। थोड़ा सा फ्लाई भाई, माय गॉड विंड ब्लास्ट, सब लोग गुस्सा हो जाएंगे। सर नो विंड ब्लास्ट, सॉरी। सो अब मैं जा रहा हूँ मलपे बीच, मट्टू बीच एक्सप्लोर करके हो गया, तो अब मलपे बीच दिखाता हूँ। वैसे तो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बट फिर भी मतलब मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा एक लोकेशन आपको दिखाऊंगा। यहाँ के लोकल्स के लिए काफ़ी फेमस है, बट मैं बाहर वालों को भी दिखाना चाहता हूँ ये, इसके लिए फिर मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस देखिएगा, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा मैं इसके बारे में। टुन टुन टुन। टाइम लाइफ एंजॉय कीजिए तब तक। चलो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस, उडुपी का एक फेमस द्वार है। बचपन में था तो मेरे को ये देख के पता चलता था कि गाइस उडुपी आता था, मेरे बचपन की मेमोरीज जुड़ी है। बट अभी ये जब से नया रोड बना है, अंडरपास बना है, तो उसे थोड़ा इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता ये एरिया। बट देखो दिस इज द मेन उडुपी द्वार एंट्रेंस गाइस, अच्छे से देखिए गाइस। भाई क्या हो गया, जगुआर वाले बम्पर पे चढ़ा। दिस इज द मैन, बचपन पे ये दिखता था तो मेरे को उड़पी आ गया करके पता चलता था गाइस। दिस इज द मेन द्वारा, टेंपल्स मतलब गॉड्स डिपिक्टेड है इस पे। इस अंडरपास की वजह से अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं लगता, बट बचपन में मुझे हमेशा याद था कि ये द्वार आ गया, मतलब आई उडुपी आ गया, चलो हम घर पहुंचने वाले। मतलब जब भी हम, मतलब हम बचपन से गुजरात से बाइक कार आते थे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन से नॉर्मल डायरेक्ट नहीं होती थी, तो बाइक कार ही प्रेफर करते थे। वैसे मैं बहुत फेमस हूँ मेरे फैमिली में, जब कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज़ हुआ था 2001 में, उसमें उसके जो सॉन्ग थे उसके कैसेट मेरे पापा ने मेरे को दी थी। एक्चुअली कहना प्यार वो द फर्स्ट मूवी विच आई एवर सॉ इन थिएटर, सो उसके सॉन्ग्स आते थे। तो क्या होता था, उसका एक कैसेट लिया था हम लोगों ने, तो जब हम गुजरात से और पिक्चर देखने के बाद रिलीज़ होके, और जब हम लोग गाँव निकले थे, शायद हमारे गाँव ज़्यादा टाइम वो रिलीज़ हुआ था उसके कुछ टाइम पहले, तो मेरे ड्राइवर
और मेरे घर वाले परेशान हो गए थे क्योंकि गुजरात से लेके गांव तक मैंने खाली एक ही कैसेट बजाया था, कहो ना प्यारे का, एक ही कैसेट गाइस। मतलब लिटरली ड्राइवर ने हुबली के आसपास आके बोल दिया, भाई मैं ड्राइविंग छोड़ रहा हूँ, मैं और नहीं बैठ सकता, मैं पक गया हूँ ये गाने सुन के करके। और मेरे फैमिली वाले आज भी मुझे उस चीज़ को लेके चिढ़ाते हैं। आज भी सबको वो चीज़ याद आती है कि वो ड्राइवर जो डेविड हमारा था उसने ऐसा बोला था करके। दैट गोल्डन डेज गाइस। ये मैं वापस आ गया हूँ करावाली बाईपास पे, हम लोग को वापस मल पे जाने का रूट दिखाने के लिए। What is this? ये नावी है क्या? नावी नावी नावी। अरे FZX? भाई बहुत छोटी लग रही थी मेरे को। मेरी बैग बहुत बड़ी हो गई है इसके लिए मुझे ऐसा लगा। फक, मैंने तो नावी समझ लिया था उसको, होंडा की। क्यूट दिखती है वैसे। मेरे मैं बैठूंगा तो ऐसे लगेगा नेवी पे बैठा हूँ करके गाइस। मलपे बीच, वन ऑफ द नहीं द मोस्ट फेमस बीच यहाँ का। मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है संडे, यार आज तो खपा खप भरा होगा, ज़्यादा नहीं लेट आता हूँ। ऑलरेडी 38 डिग्री लेफ्ट साइड पर लेट आ चुका हूँ मैं। एक्चुअली इसमें लीन एंगल दिखाता है मैंने कितना लीन किया है करके। अरे यार अभी यहाँ पे टोल मांगते हैं यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अभी ये मेरी हाथी घुस पाएगी कि नहीं उन बैरिकेड से मुझे ये देखना है, तो आपको एक सेक्सी व्यू दे पाऊंगा गाइस। हाँ घुस पाएगी या नहीं, घुस पाएगी या नहीं। अरे निकाल दिया, बैरिकेड भी नहीं है। देखिए गाइस सामने मलपे बीच कैसा है गाइस। मैं एक्चुअली बहुत टाइम बाद आया हूँ गाइस। ये देखिए हमारे बापूजी गुजरात वाले, पोरबंदर वाले। लुक एट दैट। वो जो आपको दूर अब यार कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, रुको गाइस। वो जो उधर वो जो आइलैंड दिख रहा है ना अभी, इस पे दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं गाइस। उधर एक आइलैंड है इस रीजन पे, वहाँ उसे सेंट मैरीज कहा जाता है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैं कभी प्लान करूँगा, अभी फ़िलहाल बंद है आई थिंक इट्स बिकॉज बारिश एंड ऑल, वेव्स बहुत हार्श रहती है। अब हम जा रहे हैं स्मल पे सी वॉक।